आज दिनांक 8 जून 2024, चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। यह हमारा बड़ा पवित्र मनुष्य जीवन बड़े दीर्घ काल तक निरंतर चलते रहता है, बदलते रहता है जीवन। हम वर्तमान जीवन में जो जीवन जीते हैं और कुछ वर्षों के बाद अपनी उम्र तक जीकर चले जाते हैं मृत्यु के रूप में, लेकिन वो जाने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होता है। ये जीवन धारा समाप्त नहीं होती, यह पवित्र जीवन धारा, ये लाइफ ऊर्जा या एनर्जी फ्लो, द फ्लो ऑफ एनर्जी, ये दीर्घ काल तक बने रहती है, बने रहती है। इस पर बुद्ध का इस धम्मपद अट्ठ कथा में, त्रिपिटक के इस बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ में, बड़ा ही उद्बोधक और मंगलकारी ऐसा डायलॉग आया है, संवाद आया है। वो ओरिजिनल संवाद हम आपको शेयर कर रहे हैं, आपके ज्ञान के लिए, सभी के ज्ञान के लिए हम उसे बता रहे हैं। मूल हम पढ़ेंगे, मूल वाणी पढ़ेंगे। बुद्ध मगध के राजा बिंबिसार को मिलने गए और मिलने जाते समय जो राजा बिंबिसार के 3 गुरु थे, उर्वेला काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, ये तीनों भाई वो उनके गुरु थे। तो उन्हें बुद्ध ने सर्वप्रथम धम्म में प्रतिष्ठित किया। वे तीनों अपने शिष्यों के साथ भिक्षु बन गए और भिक्षु संघ 1,000 का हो गया। और उसके बाद ये 1,000 भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध राजगृह में जाते हैं। बिंबिसार राजा बहुत ही शानदार ढंग से उनका स्वागत करता है और उन्हें बड़े सम्मान से वेणुवन गार्डन विहार, वो भी उन्होंने दान दिया। 1,000 भिक्षुओं के रहने के लिए 1,000 कुटिया बनवाई और बहुत अच्छी तरह से वहाँ वे रहने लगे। तो तब भिक्षु संघ को ये दान देने के बाद राजा बिंबिसार ने उनको दान दिया और दान देते समय उन्होंने बड़े प्रसन्नता से अपने महल में जाकर, वो उस दिन दान देने के बाद बहुत ही प्रसन्नता से, बड़ी शांति से वो आराम करने लगे, सोने लगे। लेकिन मध्य रात्रि में एकदम उनके जो पूर्वज, जो ज्ञाति बंधु थे, रिश्तेदार थे, कि जो कई लाखों सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनकी मुक्ति कैसे होगी, कैसे सद्धम्म का उन्हें साक्षात्कार होगा, तो इनकी एक बड़ी लंबी कहानी है। जब राजा बिंबिसार, जो आज बिंबिसार राजा है, लेकिन वो अपने पूर्व जन्म पहले, कई लाखों लाखों जन्म के पहले, जन्म के समय, जबकि बुद्ध ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, ऐसे जो बुद्ध आते हैं, और फुस्सतिश्य बुद्ध, तो उन बुद्धों से जो लंबे लंबे समय तक परंपरा चली आ रही है और उनके रिश्ते वालों को वो मुक्ति का रास्ता नहीं मिल गया, नहीं मिल रहा है। और जो जो बुद्ध आते हैं वो बुद्ध बताते हैं विद्धों को, पूछा जाने पर कि इनको मुक्ति कैसी मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, ये दूसरे जो बुद्ध आएंगे
उसके बाद भगवान ककुसंध बुद्ध आएंगे, कोनागमन बुद्ध आएंगे, कश्यप बुद्ध आएंगे। और जब ये बुद्ध आते हैं तो उस समय ये महापृथ्वी एक योजन बड़े 18-20 किलोमीटर ऊंचे तक ऊपर उठ जाती है, उसके बाद बुद्ध आते हैं। तो इस प्रकार का भी यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। मम काले न लभिष्यति मम पन पच्छन्तो महापठविया योजन सतंग अभिरूढ़ाय गौतमो नाम बुद्धो उपपद्यति तस्स तुम्हाकं यातो को बिंबिसारो नाम राजा भविष्यति। तो ये बुद्ध ने एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद और तीसरे, ऐसे बुद्ध ने उनको बताया कि ये पृथ्वी एक योजन तक ऊपर उड़ जाएगी और उसके बाद बुद्ध पैदा होंगे। तो तब राजा बिंबिसार, वो बुद्ध के समय उनका जन्म होगा और गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात होगी और फिर उस समय वे बुद्ध को महादान देंगे। और महादान भिक्षु संघ को दान देने के बाद उनके रिश्ते वालों को ये मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसी जो बातें आती है, ये जो डायलॉग वहाँ पर है, तो इस पर हम विशेष आपको बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े लंबे समय के बाद ऐसा जीव सत्व ये लंबे 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 समय तक जीते रहते हैं। उनका कोई उनके समय की कोई गिनती नहीं की जा सकती। जब तक वो मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता तब तक ये संसार में लोगों का आवागमन हर एक व्यक्ति का चलते रहता है। तो जो तीन बंधु के बारे में लिखा गया, ते संग सदानं खाते ते भाति कापन पुरी सहस्येन सद्धिं कालंकत्वा देवलोके निबत्तित्वा देवलोका मनुष्यलोकं मनुष्यलोका देवलोकं संसरित्वा दे नवुति कप्पे खेपेसु। तो ये जो तीन कश्यप बंधु थे तो बहुत लंबे समय तक 92 कल्प तक इसका आवागमन इन लोगों का चलते रहा। ये कुशल कर्म करने के कारण ये देवलोक में जन्म लेते थे, वहां लंबे समय तक जीने के बाद वहां से गिरकर, वहां से च्युत होकर वे मनुष्य लोक में जन्म लेते थे, फिर मनुष्य लोक से मृत्यु के बाद देवलोक में और जन्म लेते थे, वहां से मृत्यु के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेते थे। और ऐसा करते उन्होंने 92 कल्प तक इस बुद्ध को आने तक उनका जन्म होते रहा। और जब आज वो राजा बिंबिसार बने तो तब तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध उनको बताते हैं उनकी कहानी जीवन की पहली कि तदापन ते संग आयुत को बिंबिसार और राजा अहोसी। तो उन वो तीन बंधु जबकि बड़े कुशल कार्य करने वाले राजपुत्र थे, तो उनके समय ये राजा बिंबिसार उनका कोठागारी था, उनका आय व्यय लिखने वाला, उनका हिसाब किताब रखने वाला ऐसा राजा बिंबिसार उस समय इन तीनों कश्यप बंधुओं के जो कि ये बड़े राजकुमार थे, बहुत धन संपत्ति वाले थे और बुद्ध को इन्होंने जब दान दिया तो उस समय ये राजा बिंबिसार एक उनका आय व्यय लिखने वाला, हिसाब रखने वाला ऐसा व्यक्ति था, जो आज गौतम बुद्ध के समय जबकि ये तीनों बंधु ये जटाधारी सन्यासी बने, अग्निगोत्रक ऐसे ये सन्यासी बने और राजा बिंबिसार ये राजा बन के इस समय निर्माण हुआ। तो ये कहानी बुद्ध बताते हैं। और
तदापन ते संग आयु को राजा अहोसी कोठागारी को विशाखु उपासको तयो राजकुमारा तयो जटिला अहिंसु। तो ये जो तीन राजकुमार जो आज के जटिल है तो ऐसे वो थे। और जब संघ को दान देने के बाद जब वो अपने पूर्वजों को कि ये दान देने के बाद बुद्ध ने सिखाया कि अपने माता पिता को याद करो, पूर्वजों को याद करो और उन्हें उसका देने का संकल्प करो कि मैं ये जो दान उन्हें दे रहा हूँ। तो इस प्रकार ये बड़ी लंबी कहानी है। तो ऐसा जब दान दिया जाता है तो दान देने के बाद जो राजा अपने महल में आराम से सोने के लिए गया, लेकिन मध्य रात्रि में उनके कुछ पूर्वज जो कि एक दान की अपेक्षा कर रहे थे कि हमें उनका दान मिले, हमें वो अनुमोदन दे, तो अनुमोदन उन्होंने दिया नहीं, इसलिए रात भर वो सो नहीं पाया। उनके जो पूर्वज जो पेत योनि में वो पैदा हुए थे तो उनके महल के चारों ओर आकर हल्ला गुल्ला करने लगे, एक कोलाहल करने लगे, तो वो सुनते हुए उनको नींद आई नहीं। तो वो दूसरे दिन सुबह जाता है, बुद्ध को पूछता है कि भगवान कल तो मैंने बड़े आनंद से दान दिया, बहुत मैं आराम से मैं सोने जा रहा था, लेकिन मध्य रात्रि में ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे महल के चारों ओर वो सब प्रेत योनि में रहने वाले लोग हल्ला गुल्ला करके वो परेशान में हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? तो तब बुद्ध ने उनको बताया कि ऐसे लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे कि बहुत लंबे समय के बाद हमारा जो ज्ञाति हमारा रिश्तेदार एक राजा बनेगा, और राजा बनने के बाद महाभिक्षु संघ को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो दान देगा, और वो दान देने के बाद उसका अनुमोदन वो करेगा, और जिससे तुम्हें ये योनि से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें खाना पीना मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो आज उन्होंने वो दान का अनुमोदन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें वो मिला नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि इसलिए वो सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि उनको तुमने वो दान दिया नहीं, उसका अनुमोदन उनको किया नहीं। दान तो तुमने दिया भी कुसंग को, लेकिन उसका अनुमोदन करना चाहिए। तो फिर ये प्रश्न आता है, पूछता है किंग पन बनते ईदानी पी दिन ने लभी सती थी। तो क्या बनते, आज यहाँ पर हम जो दान देते हैं वो दान देने के बाद क्या हमारे पूर्वजों को मिल जाता है, क्या हमारे पूर्वज उसके लाभी बनते हैं क्या? तो ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो तब बुद्ध ने कहा कि हाँ, वो उनके लाभी बनते हैं। ये हम चित्त से चित्त को एक अपने अलग ऐसे संकल्प की अवस्था में ले जाकर जब हम संकल्प करते हैं कि हमारे ज्ञाति हमारे माता पिता हमारे रिश्तेदार हमारे पूर्वज जो कोई दुर्गति में या दुख कष्ट में पड़े हुए हो, तो मैं जो आज भिक्षु संघ को दान दे रहा हूँ, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का स्मरण करके मैंने जो दान दिया पुण्य पाया है, तो उस पुण्य को मैं शेयर करता हूँ, वो पुण्य मुझे भी मिले, मुझे भी सुख शांति मिले, और वो पुण्य मेरे माता पिता को शेयर हो जाए, मेरे रिश्तेदारों को शेयर हो जाए, मेरे दोस्त मित्रों को मेरे परिवारजनों को शेयर हो जाए। ऐसा जब उसे हम अनुमोदन करते हैं तो ये उसका अनुमोदन उन्हें मिलता है। ऐसी बात तथागत बुद्ध ने बताई। तब राजा बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ निमत्तित्वा पुनः दिवसे महादानं दत्वा भन्ते इतो तेसंग पेतानं दिव्य अन्नपानं संपज्जतुति पत्ति अदासी तेसंग तथ्येव निबति। तो फिर ये बात बुद्ध से सुनकर राजा बिंबिसार ने फिर दूसरे दिन भी भिक्षु संघ को बड़ा दान दिया, और बड़ा दान देकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बड़ा दान देकर फिर उन्होंने वो स्मरण किया कि इतो तेसंग पेतानंग दिव्य अन्नपानंग संपन्नजतु, कि ये जो मैंने आज दान दिया है तो ये मेरे दान का पुण्य मेरे जो ज्ञाति संबंधित पूर्व जीवन में जो रहे हैं और जो इंतजार कर रहे थे तो उन्हें भी ये दान का पुण्य मिले, उन्हें भी ये दान का पुण्य मिले। ऐसा जब उसने यानी राजा बिंबिसार ने संकल्प किया
मन ही मन से दान का अनुमोदन किया है, जिसे कहते पुण्य का अनुमोदन करना, पुण्य को शेयर करना। तो जब उन्होंने पुण्य को शेयर किया है, तो वो शेयर करने के बाद, अनुमोदन करने के बाद, वैसे कहते बराबर जो प्रेत योनि में उनके रिश्ते वालों ने जो जन्म लिया था, उन्हें उसी समय दिव्य अन्नपान मिल गया। और ये शेयर करने से मिलता है, ये बात यहाँ पर आती है। और उसके बाद फिर और भी आता है कि दूसरे दिन दान का तो पुण्य मिल गया, अन्नपान खाने पीने के लिए तो मिल गया, लेकिन दूसरे दिन की बात और भी आती है कि राजा बिंबिसार जब सोने के लिए गया, तो वो जो अन्नपान तो उन्हें मिला, दिव्य दान तो उन्हें मिला, लेकिन उन्हें वस्त्र नहीं, तो बिना वस्त्र के ही वो लोग उनके महल के चारों ओर जाकर हल्ला गुल्ला करने लगे। तब और बुद्ध को उन्होंने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, तो बुद्ध ने कहा कि देखो तुमने तो दान दिया लेकिन वस्त्र दान नहीं दिया और उसका अनुमोदन तुमने नहीं किया। तो भिक्षु संघ बुद्ध प्रमुख यानी बुद्ध को दान देना और उनका अनुमोदन करना, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये बात वहाँ पर आती है। फिर राजा ने दूसरे दिन भी बुलाया, राजा अज्ज बंते नगा हुतवा अत्तानंग दस्ते सुती आरोचेसी वत्था नीते न दिन्नानी महाराजा थी। तो वो निर्वस्त्र इसीलिए थे कि तुमने वस्त्र का दान उनको नहीं दिया, तो वो प्रेत योनि में रहने वाले उनको वस्त्र नहीं मिलने के कारण वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे और वो अपेक्षा कर रहे थे कि तुम दान दो। तो तब दूसरे दिन पर राजा पी पुनः दिवसे बुद्ध प्रमुख स भिक्षु संघ स चीवर दानंग दत्वा इतो तेसंग पेतानंग दिव्य वत्था निहो तूती पापेसी। तो फिर राजा ने दूसरे दिन और भिक्षु संघ को बुलाया और बुलाकर भोजन दान दिया, और भोजन दान देकर चीवर दान दिया भिक्षु संघ को, बुद्ध को चीवर दान दिया, और संकल्प किया कि आज मैं ये चीवर दान भिक्षु संघ को दे रहा हूँ, इससे मेरा भी लाभ हो और इस दान का पुण्य मैं मेरे रिश्ते वालों को, ये मेरे ज्ञातियों को, रिश्ते वालों को शेयर करता हूँ, उन्हें भी इसका लाभ मिले, उन्हें भी इसका पुण्य मिले। तो ऐसा कहते ही तेस इतो पेतानंग दिव्यवत्थानि होतु। तो ये जो ऐसा कहते ही, ऐसा संकल्प करते ही, उनके जो रिश्तेदार जो प्रेत योनि में जिनका जन्म हुआ था, तो उन्हें उसी समय दिव्य वस्त्र मिल गया और दान देने का एक पुण्य उन्हें उस समय मिला। तो ये बात यहाँ पर जो मूल रूप में आती है, तिरो कुड्ढू के तू तिठंती महावग्ये उरुवेल पटिहारी कथन। तो इस प्रकार ये जो इस समय जो हम दान देते हैं, तो ये दान देने का लाभ हमें भी होता है और वो लाभ हम दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मन से मन को शेयर करने वाला पुण्य होता है और ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बुद्ध होते हैं या जो अर्हत होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, वो इसको जानते हैं। तो ये विशेष बात यहाँ पर ये आ गई है। और ये दान देने का जो समय होता है और उस दान देने के बाद उसको शेयर करने की जो बात, कि ये दान का पुण्य मुझे मिले, मेरे परिवार को मिले, मेरे गुरुओं को मिले, मेरे माता पिता को मिले, मेरे सभी रिश्ते वालों को मिले, तो ये बात तथागत बुद्ध ने सिखाई है। और जो बुद्ध से लेकर आज तक जो बुद्ध ने सिखाया, वो आज तक ये बौद्ध देशों में परंपरागत रूप में ये दान देने के बाद उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए, अपने रिश्ते वालों को उसको अनुमोदन करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। ये बात हर बौद्ध देश में, बौद्ध परिवार में हजारों सालों से चली आ रही है, और यही त्रिपिटक में, इस ग्रंथ में भी उसका उल्लेख आता है। तो ये हम आपको शेयर करना चाहते थे कि दान का कैसा महत्व होता है और जीवन कितना कितना लंबा है, ये लंबे जीवन की कोई हम गिनती नहीं कर सकते। मान लो कि ये पृथ्वी जो एक अपने
चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर घूमती है, सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी की ओर, ये जो ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं, तो कितने साल तक घूमते रहेंगे? आज सूरज उगा और उसका अस्त हो गया, फिर कल उगेगा और अस्त होगा, फिर दूसरे दिन उगेगा और अस्त हो जाएगा, फिर तीसरे दिन उगेगा और अस्त हो जाएगा, फिर उगेगा फिर अस्त हो जाएगा। कितने साल से चल रहा है बताया जा सकता है वर्षों में? कितने हजार साल पूर्व, कितने लाख साल पूर्व, कितने करोड़ों वर्ष पूर्व, नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो सर्कल जो है उनकी घूमने की, ये चलती ही रहती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन की भी सर्कल, जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये जो है तो जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद और जीवन, जीवन के बाद और मृत्यु, मृत्यु के बाद और जीवन, तो ये सर्कल, ये जो चक्र है, ये चक्र चल ही रहा, भव चक्र, भव चक्र जो चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल ही रहा, चल ही रहा, कितने साल तक चलेगा इसे नहीं बताया जा सकता। बहुत लंबे लंबे समय तक, जब तक उसे रोका नहीं जाता, जब तक उसे उल्टा घुमाया नहीं जाता है, तब तक वो चलते ही रहेगा। जब तक रोका नहीं जाता चलते ही रहेगा, तो कैसे रोकेंगे, कैसे उसको उल्टा घुमाएंगे, यही तो बात बुद्ध ने बताई। ये भव चक्र को, ये सुख शांति देने वाला चक्र बनाया जाए, भव को मिटाया जाए, और ये परिनिर्वाण तक ले जाने वाला, मुक्ति तक ले जाने वाला ये बने, वो रास्ता अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बुद्ध ने बताया कि जिससे इस भव चक्र को रोका जा सकता है, भव चक्र की कड़ी को काटा जा सकता है, और फिर वो चक्र उल्टा घूमकर मुक्ति दिलाता है, निर्वाण दिलाता है, कि जो निर्वाण की अवस्था सारे इस चक्र से परे की अवस्था है, लोकोत्तर की अवस्था होती है, और उसे ही निर्वाण कहते हैं, कि जिसके बारे में केवल अनुभूति साक्षात्कार ही किया जा सकता है, और ये कोई काल्पनिक अवस्था नहीं, तो ये साक्षात्कार की जाने वाली अवस्था होती है। तो इस प्रकार हमें कुशल कर्म, बार 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 कुशल कर्म करने से अकुशल कर्म मिटाए जा सकते हैं, और कुशल कर्म के प्रभाव से अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा पाया जा सकता है, और उसके ही बाहर निकलकर परम निर्वाण का साक्षात्कार, परम मुक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है। यही डायलॉग मुख्य रूप से इस धम्म पद की बुद्ध और बिंबिसार राजा के संवाद में आया है, जो हमने आपको शेयर किया। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, अच्छे मंगलमय जीवन की प्रेरणा आपको मिलती रहे, और अपने जीवन को पवित्र पवित्र बनाकर मंगलमय आपको जीवन मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस वीडियो क्लिप को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त मित्र को शेयर करिए, क्योंकि ये अरहतों द्वारा बनाया हुआ त्रिपिटक के मूल डायलॉग है, जो त्रिपिटक के धम्मपद अट्ठ कथा के ग्रंथ में से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, मंगल हो सभी का।